सर हम लोग को बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, कानून जांच कर रहा है। किलोमीटर 3 किलोमीटर से पुलिस बल तैनात है और पुलिस कह रही है कि सबको उठाओ, ठूसो, FIR करो। ये छोटे कद के जो हमारे ADM साहब हैं, किस तरह से मुझ को ताव देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हैं क्या? लाठी के दम पर छात्रों को डरा देंगे, हम लोग डर जाएंगे? कुछ नहीं, लोग का इलीगल यहाँ पर प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन है, जो इनको अनुमति नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, BSSC ऑफिस पहुंचने वाले थे स्टूडेंट्स, लेकिन उसके बीच ही क्या कुछ हुआ आप देखिए। आप देख सकते हैं जो BSSC ऑफिस जाने का जो रास्ता है, वहीं पे एयरपोर्ट के पास पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। सबके माथे पे, सबके सिर पे आपको हेलमेट दिख रहा होगा। सब लोग किसी भी स्टूडेंट को यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं। देखिए, खान सर जो मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी देखिए किस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हटा रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि किसी को भी रुकने नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से हटाया जा रहा है स्टूडेंट को, देख सकते हैं आप कि आप लोग BSSC के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सब हैं हम लोग। क्या अन्याय हो रहा है ये बता दीजिए। अब यहीं से आंदोलन करने हम लोग आए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे यहीं से बच्चा को भगा दिया जा रहा है। हम लोग को बात तो करने दिया सकते हैं, बात तो रख सकते हैं। दो दो आदमी से होता है, जाओ जाओ बात कर। दो ही आदमी हम लोग बात करेंगे, ज्यादा लोग नहीं करेंगे। नहीं करेगा इस विषय पर बात सर, हम लोग को बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, कानून जांच कर रहा है। चलो जाओ, चलो भाग, फिर जाओ, कहते हैं जाओ, चलो जाओ। देख सकते हैं कि BSSC स्टूडेंट्स जो हैं वो बस अभी जुटे ही थे, लेकिन उसके बाद इन लोगों को हटा दिया गया। सब लोग का एक है ना, क्या चाहिए? हम लोग को इंसाफ चाहिए, लेकिन एक घंटा पहले, मतलब जो है किलोमीटर पहले देने के लिए तैयार हैं हम लोग, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। हम लोग का मांग है कि सब सभी जगह जो है शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं अध्यक्ष साहब से। कानून जाँच कर रहा है, तुम्हारे कहने से दू गड़का के सही हो जाएगा। कुछ नहीं, लोग का इलीगल यहाँ पर प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन है, जो इनको अनुमति नहीं है। जो अनुमति नहीं है तो कोई भी अगर जमावड़ा लगाएंगे, अगर झूठेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। कानून काम करेगा, उनको हटा देगा। यहाँ अलाउ नहीं है तो नहीं, नहीं है तो नहीं है, उनको अनुमति ही नहीं है, अनुमति ही नहीं। चलिए, देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो BSSC ऑफिस वाले रोड में, मतलब एयरपोर्ट वाला रोड है, उसके बाद आगे वाले गली में BSSC ऑफिस है, वहाँ पे छात्र पहुंच ही रहे थे, लेकिन उससे पहले जो छात्र हैं उनको भगा दिया गया। बशीर खान मौजूद थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जगह नहीं है धरना प्रदर्शन करने के लिए, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई मांग करने के लिए। देखिए, अभी भी लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं, सबका मांग क्या है वो भी हम बात करेंगे। देखिए, मांग क्या है, मांग क्या है ये सर, मांग आपका क्या? मांग एक बार कम से कम BSSC ऑफिस में अध्यक्ष से तो कम से कम मिला दे, कम से कम बात रखने का तो मौका दे। ये हिटलर शाही है, सबसे पहले तेजस्वी जी को, मान्य तेजस्वी जी, जरा संज्ञान मिले इस बात को। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आपसे हर एक वर्ग का युवा खफा है। चाहे चुनाव ज्यादा दूर नहीं, मतलब चुनाव ज्यादा दूर नहीं, सारा युवा संगठित हो गया है। इनका सरकार गिरने में, ये जो पीछे से सरकार चाचा जी के साथ मिलकर बना लिए हैं, गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चाचा जी के साथ सरकार को बना लिए, युवा का साथ नहीं दे रहे, युवा का साथ नहीं दे रहे। याद है जब इको पार्क में गए थे, इको पार्क में जाने के बाद विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए और DM साहब को फोन लगाए थे, अभी तो ट्वीट नहीं करते। तो आप क्या कहना चाहिए? मांग है कि तीनों शिफ्ट कैंसिल हो, लेकिन एक चीज समस्या ये आ रही है ना कि पूरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पुलिस बल तैनात है और पुलिस कह रही है कि सबको उठाओ, ठूसो, FIR करो, सबको ले चलो जेल, और यहीं से सबको धमका धमका के 2 किलोमीटर दूर से ही भगाया जा रहा है और लगभग 200-300 पुलिस बल तैनात है। हम लोग कोई लूटने थोड़े जा रहे हैं BSSC का ऑफिस, मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, सुन नहीं रही है आयोग, उसके लिए अभी यहाँ से अभी कह रहे हैं उठाओ केस कर दो, ये कर दो। मांग यही है कि अभी हम लोग सर लोग के थ्रू ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन ये लोग 4-5 लड़का को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है, इकट्ठा नहीं होने दे रहा है लोग, तो आगे आदमी क्या करेगा बताइए, अपना बात सरकार। क्यों ठेला जा रहा है आप लोग को, क्यों धक्का मार? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए थे, BSSC अभ्यर्थी हैं, हम लोग बिहार SSC CGL के अभ्यर्थी हैं, टीचर हैं, ठीक है, तो हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बच्चों के जनहित में हम लोग यहाँ पे आए थे कि चलो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे। सारे टीचर हैं, आप टीचर हैं? जी, आप टीचर हैं? नहीं नहीं, हम टीचर नहीं, हम आप क्या हैं? टीचर हैं, टीचर, टीचर हैं, तो टीचर आज प्रोटेस्ट करने आए हैं? जी हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं कि पढ़ाते हैं? हम सर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के तरफ से आए हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, और अगर अगर हम लोग को ये धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। और मांग क्या है? मांग है और तीनों शिफ्ट कैंसिल, आप तो पिछला बार भी 4 जनवरी में थे। तीनों शिफ्ट कैंसिल, एक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा? नहीं, काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम ले और तीनों शिफ्ट का कैंसिल करे, बस।
कानून अपना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? डेढ़ महीना बीते हो गया, अभी तक ने एग्जाम का कुछ देख रहे ना, ये छोटे कद के जो हमारे एडीएम साहब हैं, किस तरह से मुझ को ताव देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हैं क्या? लाठी के दम पर छात्रों को डरा देंगे, हम लोग डर जाएंगे? हम अभी फिर से वहाँ पर जाएंगे और पूरा शरीर खोल करके कहेंगे जितना लाठी मारना है जितना ताकत है लगा दीजिए, लेकिन हम चुप होने वाले नहीं है। बीएसएससी सीजीएल 3 का तीनों शिफ्ट का पाली का परीक्षा जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो वायरल है सोशल मीडिया पर, आपको जांच करना होगा। देखिए बीएसएससी ऑफिस पहुंच रहे थे छात्र, लेकिन बीच सड़क पर उनको रोक दिया गया। मशीद खान मौजूद थे और ठेल के स्टूडेंट को कह दिया कि ये कोई जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने का। तो देखिए स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई में यही दे रहे हैं कि बहुत अपने आप को अगर मर्द समझते हैं तो आइए फरियाइए, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए स्टूडेंट जो है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और धीरे धीरे करके जो स्टूडेंट्स हैं वो जुट रहे थे लेकिन उनको नहीं जाने दिया। मांग बस इतना है कि बीएसएससी सीजीएल 3 का जो पेपर है, जो शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाए, नहीं तो तूफान आएगा। और साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर अपने आप को युवा नेता कहते हैं तो उनको भी बता देते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, जो भी चाचा के साथ मिलके सरकार बना है वो गिरा देंगे। देखिए क्या कुछ माहौल बना हुआ था, पुलिस प्रशासन किस तरह से ठेल रही थी स्टूडेंट्स को, वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सिटी के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को लाइक कर, धन्यवाद।